इस्लाम के नाम पर आतंकवाद परोसने वाले भगोड़े जाकिर नायक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के ऊपर सरकार ने 5 साल का प्रतिबंध बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जाकिर के ऊपर ऐसा डंडा चलाया है कि उसे हमेशा याद रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि IRF एक अवैध संगठन है और इस पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि IRF के संस्थापक जाकिर नायक के भाषण आपत्तिजनक हैं क्योंकि वह कुख्यात आतंकवादियों का गुणगान करता है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जाकिर ये दावा भी करता है कि हर मुसलमान को आतंकवादी होना चाहिए। अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि जाकिर नायक युवाओं को जबरन मुसलमान बनने का समर्थन करता है। उसने आत्मघाती हमलों का पक्ष लिया है, हिंदू देवी देवताओं और अन्य धर्मों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की है। जाकिर नायक के बाद अब PFI के ऊपर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ अलग अलग जगहों से कई सबूत मिले हैं। हाल ही में हुए कई दंगों में PFI की भूमिका बताई गई है। मध्य प्रदेश के खारगोन में हुए हिंसा का तार भी PFI से जुड़ा हुआ है, तो राजस्थान के करौली हिंसा मामले में PFI की चिट्ठी मिली है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने तो इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की पहले ही मांग कर दी है। कुछ इसी तरह केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी इस संगठन के खिलाफ कई सबूत मिले हैं। नागरिकता कानून के खिलाफ पूरे देश में हुए आंदोलन को हिंसक बनाने में PFI की भूमिका रही थी। उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर इस संगठन से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी गई थी कि इस संगठन के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए। अब केंद्र सरकार भी इसके ऊपर विचार कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने NIA को इस संगठन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए कह दिया है। ऐसे NIA ने कई मामलों में PFI की भूमिका के सबूत दिए हैं, यहाँ तक कि प्रतिबंधित संगठन सिमी के तार भी से जुड़े हैं। ऐसे सबूत मिले हैं कि सिमी के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद इस संगठन से जुड़े लोगों ने PFI को आधार बना लिया है। हाल में कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद में PFI के स्टूडेंट विंग की भूमिका बताई गई थी। इसी के छात्र संगठन ने हिजाब को लेकर हंगामा करने के लिए लड़कियों और उसके घर वालों को तैयार किया। यानी ऐसा माना जा रहा है कि PFI का मकसद देश को बदनाम करना है। इसके लिए इस संगठन को विदेशों से पैसा भी मिलता है, जैसा कि जाकिर नायक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को मिलता रहा है। इसके कारण अब PFI के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद इसके अकाउंट सील होंगे और इसके राजनीतिक संगठन को भी बैन किया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।